नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में गुरुवार को 26,780 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 353 की मौत हुई है। कुल 28,902 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में नए मरीजों की संख्या बीते एक सप्ताह में अब तक की सबसे कम संख्या है। इसी के साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 2,59,844 हो गई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बचाव के बारे में जानकारी दी। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 28,902 है। इस प्रकार जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे अधिक डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,59,844 है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सीएम की बैठक के बारे में लिए गए फैसले और आदेशों के बारे में जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं आपको। टेस्ट की जो क्षमता है प्रदेश में, आरटीपीसीआर टेस्ट की क्षमता है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए 13 नई मशीनें जो है वो आरटीपीसीआर की टेस्ट मशीनें और 22 नए सेमी ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर्स ये खरीद के लगा दिए गए हैं और ये इनका काम शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ 335 लैब टेक्नीशियंस और ये इस तरह का जो स्टाफ है जिससे कि इन लैब्स को तेजी से ये काम हो सकता है, इनको भी साथ में नियुक्त कर दिया गया है। कोरोना संकट काल में गौवंशों की चिंता करते हुए योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण के प्रयास और तेज कर दिए हैं। हर जिले में कोविड हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। हेल्प डेस्क पर पशुओं के लिए भी थर्मल स्कैनर ऑक्सीजन मीटर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के नागरिकों के साथ गौवंशों की भी उचित देखभाल और उनके आश्रय का समुचित प्रबंध सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कर रही है। वहीं सीएम योगी की कोशिशों से गौ आश्रय स्थलों गौशालाओं में बड़े पैमाने पर निराश्रित गौवंशों का आश्रय मिल रहा है। सरकार तेजी से इन गौशालाओं और गौ आश्रय स्थलों की संख्या में वृद्धि कर रही है ताकि अधिक से अधिक गौवंशों को आश्रय दिया जा सके और प्रदेश का छुट्टा जानवर की समस्या से निजात मिल सके। यूपी पशुपालन विभाग के प्रयासों के प्रदेश में 5,268 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जहाँ पर 5,73,417 गौवंश संरक्षित किए गए हैं। कोरोना महामारी और आंशिक लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस हफ्ते बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 2,34,000 किसानों को अगली किस्त इसी महीने उनके खाते में पहुंच जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लाभार्थी किसानों को 2,000 की किस्त जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में उनकी बात भारत सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल से हुई है और पात्र किसानों का डेटा भारत सरकार को भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों और पिछली बार के बचे 32,00,000 किसानों को मिलाकर 2,67,00,000 किसानों को एक हफ्ते के अंदर अगली किस्त 2,000 रुपये जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर पात्र किसान को 2,000 रुपये की बराबर किस्तों में साल भर में 6,000 रुपये देती है। ये पैसा ऐसे समय पर दिया जा रहा है जब रबी, खरीफ और जायज की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी बेहद जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट में समय से पहले ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में ग्रीष्म अवकाश घोषित हो गया है। अब 10 मई से 4 जून तक प्रधान पीठ और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में भी ग्रीष्म अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि अब तक 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश होता था। एक्टिंग
एक्टिव चीफ जस्टिस संजय यादव के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने अब ये आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस आधार पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों का कैलेंडर संशोधित किया गया। ऑक्सीजन दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऑक्सीजन दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले अब तक 117 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 282 इंजेक्शन, 818 ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 65 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। समय में कोरोना के बीमारी से निपटने के लिए शासन द्वारा सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं, वहीं कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1082 जीवन संरक्षक इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर तथा कालाबाजारी से प्राप्त 52,71,280 रुपये बरामद किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन में कोविड टेस्ट कैंप लगाया गया। कोविड टेस्ट कैंप में सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने की सलाह दी गई। वहीं सभी जिलों में पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए उद्देश्य से कोविड टेस्ट कैंप लगाया गया। ग्रेटर नोएडा डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों के लिए 50 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसका निरीक्षण किया गया। इस दौरान ज्वाइंट सीपी लव कुमार, डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी ग्रेटर नोएडा, एडीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। वहीं ये तीनों रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर मुनाफा कमाने में लगे हुए थे। पुलिस को इनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, तो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं ये तीनों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमाने में लगे हुए थे। ये लोग जरूरतमंद लोगों की रेमडेसिविर को उनकी मर्जी के दामों पर बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे। ये लोग 37,000 रुपये प्रति इंजेक्शन बेचते थे। पुलिस को इनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। थाना फेज 2 द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के थ्रू हमारे पास सूचना थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लगभग 37,000 रुपये में एक वायल को बेच रहे हैं। थाना की एसओजी टीम ने एक ट्रैप डाला और उसमें इन 3 लोगों को ट्रैप किया गया और इनको जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए और इनसे अब पूछताछ की जा रही है कि ये इंजेक्शन इनके पास कहाँ से आए और इनकी पुष्टि करने के लिए इंजेक्शन की कि ये असली हैं या नकली हैं, उसके लिए भी इसको फॉरेंसिक में भेजा जाएगा और आगे की जांच भी इसमें जल्द खत्म की जाएगी। बिजनौर का स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन भले ही लाख दावे करे, कोविड संक्रमण मरीजों के भर्ती होने और ऑक्सीजन मिलने के, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां ई रिक्शा पर लेटी महिला जो पिछले 3 दिनों से बुखार और शरीर में ऑक्सीजन की कमी झेल रही है, रेशमा और उसके पति की माने तो ये सरकारी अस्पताल में भर्ती होने गई थी, लेकिन ना तो उन्हें भर्ती किया गया, ना ही डॉक्टर ने देखा, साथ ही ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया। जहां भीषण गर्मी में ई रिक्शा पर लेटी रेशमा की ऑक्सीजन चल रही है, पति पत्नी निजी डॉक्टर की तलाश में सड़कों पर धूल फांक रहे कि डॉक्टर का दिल पसीज जाए ताकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन कोई भी रेशमा की सुध लेने वाले नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे रेशमा की सांसें चल रही हैं।
प्रदेश में बिगड़ते हालातों पर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्थितियों को लगभग कंट्रोल में कर लिया है। योगी सरकार के लगातार प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांटों को अब कोटे के हिसाब से लिक्विड ऑक्सीजन सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। प्रदेश के सभी प्लांटों पर बाहर से ऑक्सीजन टैंकर मंगवाकर स्थितियों को कंट्रोल में किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता पे किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह की रुकावट आने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से अगर अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन की मांग की गई तो उन पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बिजनौर जिले में अब तक कुल 2371 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उधर अभी तक टोटल 78 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन लगातार पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। उधर जिले में लगातार लोगों के मरने के सिलसिला जारी है। गाँव भी अब इस बीमारी से अछूता नहीं रह गया है। प्रशासन की ओर से भले ही शहर में सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है लेकिन प्रशासन द्वारा शहर में निकलने वाले लोगों को रोका नहीं जा रहा, जिसके कारण आगे स्थिति भयावह हो सकती है। उधर डीएम बिजनौर रमाकांत पांडे का कहना है कि अस्पताल और गांव में लगातार लोगों का इलाज और कोरोना की जांच की जा रही है। इस बीमारी से लड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है लेकिन इस दावे के बावजूद भी लोगों की मौतें हो रही हैं। बिजनौर के नूरपुर से सिहारा ब्लॉक संख्या 50 से नव निर्वाचित बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आयुष चौहान के बोल बिगड़ गए हैं। बीजेपी नेता आयुष चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद एक वीडियो के जरिए हारे हुए अपने प्रधान के पक्ष में बोलते हुए क्षेत्र के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के प्रधानों में गुस्सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिहारा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद बीजेपी नेता आयुष चौहान के क्षेत्र में ग्राम बिडरा रवाना शिकारपुर में एक जनसभा को आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता के क्षेत्र में विजय हुए ग्राम प्रधानों को खुले मंच से धमकाते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद प्रधानों को अपनी उंगलियों पर नचाने और मिट्टी में मिला देने की बात कही है। मिट्टी में मिला दूंगा पूरे तरीके से। मेरा खुला चैलेंज है, मेरी सरकार चल रही है यहाँ, आपकी सरकार चल रही है, एक साल का समय मेरी सरकार का है, ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के वोटों से अगली भी सरकार हमारी रहेगी। कहीं भी जोर कर ले कोई भी प्रधान, चाहे घर का बना हो चाहे उधर का बना हो, मिट्टी में मिला दूंगा पूरे तरीके से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।